हो और इक्वेशन बैलेंस करने के लिए केमिस्ट्री से ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हर साल बोर्ड में इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आता है और मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या होते हैं, इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो हीट एंड ट्रायल मेथड तुम जानते होगे, जिसमें कि मोस्ट ऑफ द बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और उसमें टाइम भी ज्यादा लग जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें इंश्योर करती हूँ कि मैं ऐसा तुम्हें ट्रिक बताऊंगी ना कि जो तुम बहुत ही इजिली तरीके से, चाहे कितना भी लंबा कितना भी बड़ा तुम्हारा इक्वेशन होगा, तुम उसको बहुत इजिली तरीके से बैलेंस कर पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं कौन सा वो ट्रिक है। देखो ये जो इक्वेशन तुम्हें दिख रहा है, तुम्हें पता है कि इधर साइड को हम रिएक्टेंट कहते हैं एंड दिस इज अ प्रोडक्ट। तो तुम्हें क्या करना है, ये जो तुम देख रहे हो ना एलिमेंट्स नेम, इसके पहले तुम्हें एक कोएफिशिएंट मानना है, लाइक ए बी सी और डी तुम्हें मान लेना है, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो एफ ई यहां पर क्या है, ए है, ठीक है। और इधर में तुम्हारा एफ ई क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है एफ ई। एफ ई कितना है यहां पर, 3 है, तो 3C हो गया। क्या हो गया, 3C हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर H2 कितना है, 2B है। और यहाँ पर H2 तुम्हारा कितना है, 2D है। ऐसे तुम्हें इक्वल करते जाना है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। O कितना है, O B, O कितना है यहाँ पर, 1 है। तो सिर्फ तुम क्या लिखोगे, B लिखोगे। और O यहाँ पर कितना है, 4 है, 4C हो जाएगा। क्या लिखना है यहाँ पर तुम्हें, 4C लिखना है। तुम्हें क्या करना है, ये जो A B C D इनमें से किसी को भी तुम 1 मान लो, या कोई भी नंबर मान सकते हो। मैं 1 मान लेती हूँ। Let C equal to 1। मान लो हमने C को क्या मान लिया, 1 मान लिया। तो अब हम क्या करेंगे, B equal to क्या है, 4C है। तो B equal to 4 और C की जगह 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 ही रहेगा, राइट। तो B equal to तुम्हें 4 मिल गया। अब तुम्हें ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर हुआ कि B equal to D, क्या हुआ, B इक्वल टू D। तो B का वैल्यू क्या है, 4 है, तो ऑब्वियसली D का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो D इक्वल टू 4 लिख लो। तो यहाँ पर B, D और C मिल गया। अब क्या नहीं मिला है, तुम्हें A नहीं मिला है। तो A इक्वल टू क्या है, 3C है, ठीक है। तो A इक्वल टू 3 और C का वैल्यू क्या था, 1 था। तो पुट करोगे तो 3 ही होगा। अब तुम्हें क्या करना है, ये जो तुमने कोएफिशिएंट माना था ना, वहां पर इसकी वैल्यू क्या करनी है, तुम्हें पुट करनी है। तो अब पुट कर दो तुम। अब यहाँ पर तुम क्या लिख सकते हो, ए के जगह पर तुम क्या लिख लोगे, 3 लिखोगे। ए के जगह पर तुम 3 लिख लो, यानी यहाँ पर मैं अगर नीचे लिखूं तो तुम लिख सकते हो 3 एफ ई लिख सकते हो, प्लस बी के जगह क्या है, बी के जगह तुम्हारा है 4, तो तुम लिख लोगे 4H2O लिखोगे। और जब करोगे तो एफ ई, यहाँ पर सी पर क्या आया है तुम्हारा, सी में 1 आया, तो 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एफ ई 3 ओ 4 प्लस D का वैल्यू क्या आया है बेटा, D का वैल्यू आया है 4। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, 4H2O। अब तुम देख लो तुम्हारा ये इक्वेशन बैलेंस हो गया, यानी ये वाला चीज तुम अप्लाई करो, ये बहुत इजी होता है, ठीक है, गलत भी नहीं होता और बहुत इजीली तुम कर लोगे। तो देखो एफ ई कितना है तुम्हारा, 3 है। इधर भी एफ ई क्या हो गया, 3 हो गया। यहाँ पर तुम्हारा हाइड्रोजन कितना है, 4 2 8 है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितना हो गया तुम्हारा, 8 हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, 4 है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन क्या है, 4 है। तो यहाँ पर बहुत इजी तरीके से तुमने सीखा कि किसी भी इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं।